नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल्स पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। IBPS क्लर्क जिनका भी एडमिट कार्ड आ चुका है, बेसिकली सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है, बट एग्ज़ाम्स किन का कब है? 12 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 12, 18 और 19। आपका किस दिन एग्ज़ाम्स है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा कि सर मेरा इस दिन आपके इस शिफ्ट में एग्ज़ाम्स है, ओके। तो आज का बेसिकली वीडियो क्वांट सेक्शंस में मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो किस पैटर्न पे, किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एकदम डिटो लेवल है। अब मेरे जो ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है ना, आज ये दूसरी क्लासेस है, राइट। फर्स्ट क्लास में अपलोड कर चुका हूँ, ये आज की सेकेंड क्लास है, राइट। तो ये जो भी 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए ना, उसकी आप प्रैक्टिस करके चले जाइएगा, एक से दो बार, तीन बार, जितना आपको समय मिले। इतनी श्योरिटी है, एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है इनसे बाहर एक भी पैटर्न आपसे पूछ ले। आप खुद कमेंट करोगे कि सर यहाँ यहीं से ही पूछा गया था, ओके। तो प्रैक्टिस करते हैं, आइएगा। मेरा डेली बेसिस पे सेशंस रहता है, कल भी मैंने सेशंस अपलोड किया था, बताता हूँ आपको क्या किया था। उससे पहले चैनल्स पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स, एंड अच्छा लगे आपको तो लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी किसी भी तरह का संदेह या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ओके। ये कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, टॉप 50 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक सेक्शंस की, राइट। टॉप 50 क्वेश्चंस की यह भी दूसरी क्लास थी। जिस किसी स्टूडेंट के अर्थमेटिक में प्रॉब्लम्स हैं, अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज इस वीडियो को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। गारंटी है एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ओके। ये पहली क्लास थी और उससे पहले वाली, यानी कि ये आपकी दूसरी क्लास थी, ओके। अगर आपको प्रीवियस ईयर्स का पेपर भी सॉल्व करना हो तो टेलीग्राम चैनल्स पर लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ यानी कि क्वांट का पेपर, प्रीवियस ईयर्स पे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर आपका डबल पाई चार्ट, यानी कि आपकी मेंस लेवल की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं, देख लीजिएगा। DI प्रैक्टिस करवाई है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल मेंस एग्जाम्स की तरह है, आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। नाउ अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की, देखिएगा। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, 999, 727, 5093, 3921, and then questions mark. Exams में 1 to 5, एक से लगाकर 5 questions आपसे पूछे जाएंगे, 5 questions 5 marks के, पहली चीज। दूसरी चीज, my dear aspirants, 1 और 2, right? और 2 से 3, 3 से 5 क्वेश्चंस, यानी कि कहने का मीन्स यही है, 1 या 2 क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ रहेगा, मॉडरेट टू हार्ड, और एक आपका जो 3 से 5 यानी कि 3 क्वेश्चंस मान के चलिए आपकी इजी लेवल रहेंगे, आप विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चंस को कर सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी करेंगे, अदरवाइज आप करते रहिए, ओके। पहली चीज ध्यान में रखिएगा, ओके। कुछ और चीजें मैं बता दूं, क्वेश्चंस को करते समय एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको पहले 1 to 20 तक क्यूब अच्छे से, 1 to 50 तक
स्क्वायर है अच्छे से, 1 to 30 तक टेबल्स बिल्कुल कैटेगोरिकली एकदम आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ इसका क्यूब यही होगा, एकदम आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, कभी भी कहीं पे भी आपको पूछ लिया जाए तुरंत आना चाहिए। ये कब आएगा? जब आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करोगे, रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे, ओके, तो क्वेश्चंस भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मिसिंग नंबर सीरीज दिखने में छोटा रहता है, बट ध्यान रखना अगर नहीं पैटर्न ऑब्जर्व हुआ ना तो क्वेश्चंस पूरे के पूरे 2 से 3 मिनट ले जाएगा। इजी लग रहा है, आपने स्टार्ट भी कर दिया, आपके टाइम भी खा गया और आप पूरा कंफ्यूज हो गए कि अब टाइम भी चला गया, क्वेश्चंस भी सही नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस अच्छी है, आप जिस किसी क्वेश्चंस में भी हाथ डालोगे वो आपका करेक्ट ही होगा। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जिनके क्यूब का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्यूब पता है, क्वेश्चन हलवा है। अदरवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस का आपके डिफरेंस निकालते रहिए, आपका आंसर तो आएगा बट जितने में समय निकल जाएगा। राइट, एक किसी पेशेंट को टाइम के बाद मेडिसिन देना कितना लाभदायक होता है आप खुद जानते हैं, एक टाइम पर देना कितना लाभदायक होता है आप खुद परिचित हैं। राइट, तो उसी प्रकार टाइम पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, टाइम से पहले करना, ये आपके लिए बेनिफिट रहता है। 999 ये आपका होता है, 727, 509, 509, 512 ये आपका होता है 8 का क्यूब, ये 509 है तो माइनस का 3 है। राइट, यानी कि ये चीज माइनस का 3 है, 339, 7 का क्यूब होता है 343, माइनस का अपन 4 करेंगे तो अपने पास आ सकता है 3439। राइट, ये आपका 2116 का क्यूब, 216 माइनस 5 तो आपका 211 आ सकता है। ओके, ये आपका 77 है तो आपका 9 का क्यूब माइनस का 2 करेंगे तो अपने पास आ सकता है 727। ये आपका 10 का क्यूब 1001 करेंगे तो 999, तो यहाँ पर कितना आएगा, 9, 10, 9, 8, 7, 6 एंड देन यहाँ पर 5 का क्यूब 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 का क्यूब होता है, जैसा कि मैंने बताया था याद होना चाहिए, 125 में से अपन अगर 6 लेस करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 119 इज द करेक्ट आंसर। एक अच्छा क्वेश्चंस, तगड़ा क्वेश्चंस, बिल्कुल क्लैरिकल्स, और पीओ में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीओ में भी पूछा जाता है। ओके, तो आप पीओ का भी एग्जाम से अगर आपका तो भी आप देख सकते हैं सेशंस को, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस लेके आया। ओके, समझ में आया तो लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा, सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 8, 8 से क्वेश्चन मार्क 112 एंड 565। क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस टाइप्स के क्वेश्चन को डायरेक्ट बड़ी संख्या में देखिए, कितने का मल्टीप्लिकेशन है, 5 का, 5 into 100, 500, 5 into 12 दैट इज द 60+5 करेंगे तो अपने पास 565 आ सकता है। राइट, इंटू 5+5 तो यहाँ पर कितना होगा, इंटू 1+1 इंटू 2+2 3 into 2, 6+2 दैट इज द 8 इंटू 3, 8 3 is 24 प्लस का 4, 24 प्लस आपकी 4 दैट इज द 28, यहाँ पर आपका 28 आना चाहिए। ओके, आंसर है ऑप्शंस में, नहीं है। राइट, 1 into 1, 1 into 2+2 into 3+3 not 4 into 3+3 that is the 27, यहाँ पर into 4+4 right 27 into 4 कितना होता है 108, 27 का double 54 का double 108 plus का 4 आपके बिल्कुल correct है, 112 answer क्या आएगा, 27 is the correct answer। okay,
समझ में आया आपको क्वेश्चंस? तो 27 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट है कि समझ में आता जा रहा है तो लाइक करते चलिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। 50, 65, 82, 106, 111, 122 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये तो बहुत ईजी है, विदाउट पेन एंड पेपर डायरेक्ट दिख रहा है कि 15 का डिफरेंस है। यहाँ पर 15 + 2 = 17 का डिफरेंसेस है, 18 + 1 = 19 का डिफरेंसेस है, 22 - 1 = 21 का डिफरेंसेस है। नेक्स्ट टर्म्स कितना होगा, प्लस का टू, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का टू, 23, 123, 123 + 122, 145। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए 14th नंबर क्वेश्चन है, 13, 14, 30 एंड देन आपकी 93, ये आपका क्वेश्चन मार्क, 1885। बिल्कुल क्लियरली है यहाँ से ही पता चल गया, 33 जा 93 प्लस का 3 करेंगे तो 93 आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इंटू 2 + 2 + 1 + 1 + 4 + 4 कितना होता है, 9, 4 = 36, 3, 4 = 12 प्लस का 4 यानी कि 360 + 16 दैट इज 376 इज द करेक्ट। ओके, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अगेन 14 नंबर क्वेश्चंस का। ओके, क्लियर, समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे, लाइक बटन पे, शेयर बटन पे जरूर क्लिक करना। ओके, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 4, 4 से 18, 18 से 44, 44 से क्वेश्चन मार। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन भी लग रहा है, डिफरेंस पीस पर भी लग रहा है, राइट। अब आपको कौन सा, देखिए मल्टीप्लिकेशन पहले करोगे, मान लीजिए गलत हो गया, डिफरेंस पीस पर जा रहा है, फिर डिफरेंस पीस पर करोगे, राइट। तो वह होता है एक सिलेक्शन का टाइम पीरियड। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, क्वेश्चंस को एक बार देखेगा कि हाँ ये डिफरेंस बीस पर तो नहीं हो रहा, बट हाँ मल्टीप्लिकेशंस पे हो रहा है, हाँ ये मल्टीप्लिकेशंस पे तो नहीं हो रहा, डिफरेंस निकालते हैं तो सीधा ही, यानी कि वह टाइम वहाँ पर सेव कर लेगा। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राइट। 18 से 44 हो रहा है तो माय डियर स्टूडेंट्स अगेन आपका डिफरेंस बीस पर सीरीज है, 44 से 83, 44 का डबल 88 माइनस का 5 करेंगे तो अपने पास 39 आएगा। ओके, 18 है, 22 + 4 = 26 का डिफरेंसेस यहाँ पर, 14 का डिफरेंसेस यहाँ पर, 3 का डिफरेंसेस यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गया 11 का, ये आपके यहाँ पर हो गया 22 का, ये आपके 12 का, सॉरी नॉट 22, ये आपका 13 का डिफरेंसेस, अगेन तो आपके 14 का डिफरेंस। एक बहुत अच्छी सीरीज है, एग्जाम्स में इससे कम ही लेवल रहेगा, ये तो मैंने थोड़ा सा हाई लेवल रखा है ताकि स्टूडेंट अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, राइट। 14 इसमें ऐड करना है, 13, 52 होता है, 1 ज़्यादा कर दीजिए 53 होगा, 83 + 53 दैट इज द 136। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन था, तो प्लीज थम्स अप बटन पर जरूर क्लिक करना। ओके, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए,
72 तो यहाँ से सीरीज पता चल गई कि डिफरेंस है माइनस का, कितने का डिफरेंस है, 8 + 1 9 का, माइनस 19 + 9 28 28 का डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है, 74 - 9 दैट इज द 65 का, 274 यानी कि आपकी 126 का डिफरेंस है। अब देखिए मैंने कहा था स्क्वायर क्यूब, अगर आपको याद है क्वेश्चंस हलवा है ये, अगर नहीं याद है तो इस क्वेश्चंस को करते रहिए, आपके आंसर आएंगे ही नहीं। डिफरेंस पे डिफरेंस निकालिए जितने में समय भी पूरा हो सके हो जाएगा। ओके तो ये आपका है 5 का क्यूब + 1, ये मेरे को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पता होना चाहिए, ये तो जो न्यू है ना उनके लिए लिख रहा हूँ। 4 का क्यूब 64 + 1, 3 का क्यूब 27 + 1 9 है, तो 2 का क्यूब + 1 दैट इज द 9, एंड देन 1 का क्यूब + 1 दैट इज द 2, माइनस का 2 करेंगे तो 170 अपने पास आएगा आंसर। याद रखिएगा 270 भी ऑप्शन में है, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िएगा। डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही है, 16 का डी 170 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज 17 नंबर क्वेश्चंस, 1 से 1 देन यहां पर देखिए सीधा सीरीज पता चल रहा है, 15 का 7 टाइम्स है ये, राइट, ये आपका 9 टाइम्स है डायरेक्ट, 7 9, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर आपका 3 होगा, यहाँ पर आपका 7 9 है, तो 2 2 का गैप है 3, और यहाँ पर 1 होगा, 1 × 1 1, 1 × 3 3, 3 × 5 दैट इज द 15, बिल्कुल सही आंसर है 3, बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। ओके इज इट क्लियर, समझ में आया आपको क्वेश्चंस? अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चंस, ये पॉइंट बेस पर है, देखिएगा मेरे जो 20 क्वेश्चंस आज ये कंप्लीट हो जाएंगे ना, उनकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, मैं पहले ही बता दूं, गारंटी से कहता हूँ एग्जाम्स में एक भी पैटर्न इनसे बाहर नहीं पूछेगा। ओके आप इसको ट्राई करें, ये इजी क्वेश्चंस है, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखिए 9.8, 8.9, 100, 11.6 कह लीजिए, 12.5। अब देखिए या तो एक काम करिए, इसमें से पॉइंट आप इग्नोर कर दीजिए, काउंट ही मत कीजिए, क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर पॉइंट को इग्नोर नहीं करते काउंट करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एक कंफ्यूज्ड आप हो सकते हैं। ओके तो 89 से 116 हुआ है, मैं पॉइंट को इग्नोर करके चल रहा हूँ। ओके 11 + 16 दैट इज द 27, एक बार पॉइंट मैंने नहीं लिया, ध्यान रखिएगा 11.16 यानी कि 116 माइनस, इसको अपन 80 मानेंगे क्योंकि पॉइंट अपन नहीं ले रहे, तो ये एक संख्या जो भी होगी वो 80 जीरो लग जाएगा। ओके आपकी कितना बच गया, 20 30 + 6 36 माइनस का 36, यहाँ पर कितना 80 + 1 25 + 20 दैट इज द 45 प्लस का 45 यानी कि एक टर्म प्लस में, एक टर्म माइनस में, एक टर्म प्लस में। ओके 27 36 45
क्लियरली विजिबल्स हैं 18 और ये आपका 9 होगा, राइट। क्लियरली विजिबल्स है, ये आपका 9 होगा, 9 प्लस 9 18, तो 18.8 इज द करेक्ट आंसर, राइट। 9 प्लस 9 18, 18.8 इज द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड रुकिएगा, देखते हैं दोबारा क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर 36, एक सेकेंड, ओहो प्लस माइनस का भी डिफरेंस है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का भी है ना, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, ओके देखिए यहाँ पर है आपका प्लस, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, नाइन्थ का टेबल्स है तो 9 यानी कि 98, 2.7 है तो 9, ये आपका 2.7, 3.6, 4.5, देन यहाँ पर आपका ये आपका 18, 18 बचा माइनस का 18, यहाँ पर जो भी संख्या है उसमें माइनस करेंगे, इसमें 0.9 ऐड होगा, राइट, 0.9, तभी आपका आंसर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 0.9 ऐड करेंगे तो 9 प्लस 8 79 प्लस 1 10, तो 10.7 इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शंस, ओके ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पॉइंट से रिलेटेड कंफ्यूज हो गए थे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस को बिल्कुल केयरफुली होके सॉल्व करना है आपको, ध्यान रखिए, क्वेश्चंस घुमाएगा एग्जामिनर। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर, 19th नंबर देखिए, ये तो इजी क्वेश्चंस है, विदाउट पेन एंड पेपर का क्वेश्चंस है, ये 1.5 टाइम्स है, ये आपका 2 टाइम्स है, ये आपका 2.5 टाइम्स है, तो यहाँ पर कितना होगा ऑटोमेटिक 1 टाइम्स 0.5 टाइम्स, 6 आंसर आएगा इसका, विदाउट पेन एंड पेपर का क्वेश्चंस, क्लियरली। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको घर पे ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि सर इसका आंसर आपके ये होगा, ओके जरूर आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ओवरऑल वीडियो एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा आपको तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, किसी भी तरह का कमेंट हो तो कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, ओके। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा चैनल्स को, ओके थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, ओके मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, ओके थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।